केसरी देख रहे हैं आप, मैं हूं आपके साथ गीतांजलि जाधव। बिहार के उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव नौकरी के बदले जमीन संबंधी कथित घोटाले में पूछताछ के लिए शनिवार को सीबीआई के समक्ष पेश हुए। इससे पहले वो 3 तारीखों पर पेश नहीं हुए थे। राष्ट्रीय जनता दल के नेता पूर्वाह करीब 10:30 पर सीबीआई मुख्यालय पहुंचकर आवश्यक औपचारिकताएं पूरी। सीबीआई ने दिल्ली उच्च न्यायालय को पिछले सप्ताह आश्वासन दिया था कि वो यादव को इस महीने गिरफ्तार नहीं करेगी। इसके बाद नेता ने नौकरी के बदले जमीन मामले में पूछताछ के लिए 25 मार्च को एजेंसी के साथ पेश होने को लेकर सहमति जताई। तेजस्वी यादव के वकील मंजिंदर सिंह ने कहा कि बिहार विधानसभा का सत्र 5 अप्रैल तक चलने की वजह से उनके मुवक्किल को सीबीआई के समक्ष पेश होने के लिए कुछ समय चाहिए। बाद में मनिंदर सिंह ने अदालत से कहा था कि उनके मुवक्किल 25 मार्च को सीबीआई के दिल्ली मुख्यालय में जांच अधिकारी के समक्ष पूर्वाह 10:30 पेश होंगे। दरअसल सीबीआई ने आरोप लगाया है कि आरजेडी अध्यक्ष लालू प्रसाद के 2004 से 2009 के बीच रेल मंत्री रहने के दौरान पसंदीदा उम्मीदवारों को बिना किसी विज्ञापन या सार्वजनिक सूचना के नियमों और प्रतिक्रियाओं का उल्लंघन करते हुए रेलवे में नियुक्त किया गया। एजेंसी के अनुसार इसके बदले अभ्यर्थियों ने सीधे या अपने परिवार के सदस्यों के जरिए लालू प्रसाद के परिवार के सदस्यों को जमीन काफी सस्ती दरों पर बेच दी थी।